फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल तनसुमन क्लासेस एंड आई एम सुमन कंवर टू टीच यू चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ट्राइबल दिक्यूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज. यानी इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था इन पार्ट फर्स्ट बाय द 19th सेंचुरी द पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज. बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे. Some tribal peoples engaged in the jhum or shifting cultivation. Shifting cultivations are found in the hilly area and forest area, basically in northeast and central India. So before we read this chapter, please like and subscribe my channel so we'll get more videos from my side. So how the tribal people lives here. So some tribal groups engage their livelihood by hunting animals and gathering product, forest product. Yani कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने खाने की जो चीज़ें थी वो ढूंढकर उनसे ही काम निकाल लेते थे. सो द फॉरेस्ट एज एन इंटेंशन फॉर द सर्वाइवल गॉन्ड्स वर सच अ कम्युनिटी टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड सच आर फ्रूट्स रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड दे यूज टू मे बी फॉरेस्ट स्क्रब हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पज एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट. ये जो स्थानीय बाजार होते थे उन वहाँ पर ये जाके अपनी चीज़ें बेच देते थे और जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग सोर्स उनका होता था उससे वो अपने रोजमर्रा के काम को चला रहे थे. और जैसे ही फॉरेस्ट में इनके जो फॉरेस्ट में इनका थोड़ा सा काम कम हुआ तो इन्होंने अब शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह घूमना और साथ ही साथ अब लेबर वर्क करना शुरू कर दिया था. तो एट दिस टाइम दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड टू रिटर्न फॉर देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. सम ऑफ देम वर एंगेज इन सम ऑड जॉब्स. कुछ लोग जो है वो यहाँ पे काम करने लग गए थे एंड विलेज सच एज गैरिंग लोड एंड बिल्डिंग्स एंड रोड्स एक्सेट्रा. जो कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती हैं जो रोड बनाना था और एक जगह से दूसरी जगह जो सामान को उठाते थे उनका काम इन्होंने शुरू कर दिया. बट द टाइम केम वेन द सप्लाईज ऑफ प्रोड्यूस श्रैंक इट इज रिजल्ट मोर ऑफ मोर ट्राइबल पीपल बिगेन टू वैंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क. और जैसे ही फिर इनका काम जो खेती बाड़ी है जो थोड़ी कम हुई क्योंकि अभी सेटल हो चुके थे तो अब इनके काम में जो कमी आई उसकी वजह से अब ये लोग बाहर की तरफ काम करने के लिए निकले. हाउएवर द बेगर्स रिमाइंडेड इन द फॉरेस्ट एंड हाउ डिड दे नॉट डू गो एनीवेयर. कुछ लोग जो हैं वो डिग्निटी को अपने को छोटा समझते थे कि अगर ये लोग ये काम करेंगे तो अपनी इज्जत का सवाल समझते थे तो ये लोग वहाँ पे मजदूरी का काम नहीं करते थे. सो व्हाट हैपन द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ और जो कॉनिकल रूल जो आया उसमें कैसे इन लोगों ने अपने आप को वहाँ पे इन पे क्या असर पड़ा और इनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया. तो जो कॉनिकल जो रूल आया उसमें इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. अब वो क्या इम्पैक्ट थे इनकी लाइफ में. दीज आर द लॉट्स ऑफ चेंज. यानी इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. सो वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक हाउ डिड कॉनिकल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स. इनकी जो लाइफ है आदिवासियों की जो जिंदगी है वो किस तरीके से अफेक्ट हुई. So the lives of the tribal people changed during British rule. Let us see what these changes were. इनके life में क्या changes आए, क्या क्या बदलाव आए, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं. तो what happened to tribal chiefs? यानी आदिवासी जो हैं जो tribal people हैं इनके मुखियाओं के साथ क्या हुआ था. अब इनके मुखियाओं का क्या हुआ वो इस chapter में हम पढ़ेंगे. Part second, so before the arrival of the British, in many areas the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power, had the right to administrator, to control their territories. In some places they had their own police and decided on the local rulers to land and forest management. Yani, जो यहाँ के लोकल जो आदिवासियों के जो मुखिया होते थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था वो स्थान हुआ करता था. और साथ ही साथ में दे इंजॉयड अ सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर. ये अपनी जो आर्थिक ताकत होती थी इनकी इकोनॉमिक जो पावर होती थी इसको बड़ा इंजॉय करते थे ये. एंड दे हैव अ राइट टू एडमिनिस्ट्रेट. इनको यहाँ पर नियंत्रण करने का था और यहाँ की जो पुलिस थी वो भी इनकी खुद की हुआ करती थी. जमीन से इनको क्या नियम बनाने हैं ये भी ये खुद डिसाइड करते थे. कौन लोकल रूलर्स ऑफ द
लैंड यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और जो वहाँ के जो डिसाइड करते थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी इन्हीं के अंडर में होता था। तो सारे काम काज जब ये लोग देखते थे तो यानी इनके पास पावर थी। तो अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन ऑफ द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली, और जैसे ही ब्रिटिश रूल आया इनकी लाइफ जो है यहाँ की जो जो मुखिया हैं उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। वो क्या थे? They were allowed to keep their lands little over a cluster of village and rent out land. यानी अब जो था इनकी जो जमीन का मालिकाना हक है वो इनकी शक्तियाँ छीन गई, और अब ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इनको क्या कर दिया गया, इनको मजबूर करा गया। वो कैसे? But they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by the British officers in India. इंडिया के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी अब वो उनसे छीन ली गई, और साथ ही साथ दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। यानी अब ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, जो लॉ बनाए गए थे, उनके अनुसार अब इनको चलना होगा, और इनको भी अपना ट्रिब्यूट, इनको भी अपना हिस्सा, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट किसको, टू द ब्रिटिश। इनको भी ब्रिटिशर्स को अब अपना हिस्सा देना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स एंड बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और जब ब्रिटिश के जो जब ब्रिटिशर्स नहीं हैं, बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स इनको डिसिप्लिन बनाकर रखना, इनको उस ग्रुप में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। द लॉज द अथॉरिटी दे हैड टू अर्लियर एंजॉयड अमंग दिस पीपल वर अनएबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और अब जब इनके पास ताकत ही नहीं थी तो अब ये क्या थे, अपने जो परंपरागत जो इनके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, काम थे, उनको ये बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे थे। यानी अब जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली, और साथ ही साथ व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके साथ क्या हो गया। तो लुक एट द फिगर नंबर 5, अ लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन अ विलेज ऑफ द नियोशी ट्राइब, यानी जो निशी ट्राइब है ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, द एंटायर विलेज हेल्प्स व्हेन लॉग हट्स आर बिल्ट, यानी पूरा गांव सहयोग करता था इन घरों को बनाने में। और ये अरुणाचल की एक ट्राइब है जिसका नाम है निशी। ये किससे घर बना रहे हैं? ये घर बना रहे हैं लॉग यानी बांस को हेल्प से। अब आप ये देखिए कि फिगर नंबर 6 में भील वुमन जो हैं वो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अब भील वुमन कल्टीवेटिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के एक जंगल में खेती करती हुई भील औरतें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यूस इन मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात। You can see that the trees have been cut and land cleared to create patches of cultivation. यानी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन थी वो यहाँ पे होती थी, और जो गुजरात के बहुत सारे जंगलों में है ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन उस टाइम हो रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ों को कैसे काट दिया गया है, है ना, पेड़ों को कैसे काटने की कोशिश करी जा रही है, और साथ ही साथ इसको जमीन को क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। सो ग्रिप टू सेटल डाउन टू बिकेम पीसेंट कल्टीवेटर, सेटल पीसेंट्स वर इजी टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटर दैन द पीपल हु विल ऑलवेज इन द मूव, यानी जो एक जगह रहते हैं लोग उनको ज़्यादा इजीली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको दिखाकर इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि अब ये सेटल डाउन हो जाए, जो जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ना करे। तो द ब्रिटिश आल्सो वांटेड टू रेगुलर रेवेन्यू, और अगर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं तो अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स को तो रेवेन्यू से मतलब था, तो रेवेन्यू इनको मिलता रहेगा लगातार। सो दे इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट, और इसी वजह से इन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। दस दिस दे हैव मेजर द लैंड, और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, मेजर द लैंड एंड डिग्निफाइड राइट ऑफ द ईच इंडिविजुअल्स एंड टू द लैंड द फिक्स एंड द रेवेन्यू डिमांडेड फॉर द स्टेट।
यानी स्टेट के लिए एक फिक्स रेवेन्यू इनको मिलता रहे और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया, उनको ये तय करके बता दिया गया कि आपको कितना रेवेन्यू देना है, आपको कितना लगान देना है. सो सम पीसेंट वर डिक्लेयर्ड लैंडलॉर्ड्स अदर टेनेंट्स, और किसी को क्या घोषित कर दिया गया, किसी को तो लैंडलॉर्ड्स भू स्वामी, किसी को तो लैंडलॉर्ड्स घोषित कर दिया गया और किसी को यानी टेनेंट्स यानी जमीन को किराए पे दे दिया गया. एज यू हैव सीन इन चैप्टर 2, टेनेंट्स वर द पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इज टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट. लैंड जो ऑनर होते थे वो टेनेंट से किराया लेते थे और फिर रेवेन्यू किसको देते थे, स्टेट को. अब यहाँ पे स्टेट किसको रिजेंबल किसको वो कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि ब्रिटिशर्स. सो द ब्रिटिश एफर्ट्स टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. और अब जो झूम कृषि थी वो अंग्रेजों को बहुत कोशिश करी लेकिन वो कामयाब नहीं रहे. क्यों नहीं रहे कामयाब? Settled plug cultivation is not easy in the areas where water is scarce and soil is dry. यानी जो सेटल खेती करते थे वो यहाँ पे इजी नहीं था. वो इजी इसलिए नहीं था बिकॉज यहाँ पे जो खेती करने के लिए पानी जो है वो कम था और साथ ही साथ सॉइल क्या थी, सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई थी. तो सॉइल ज़्यादा ड्राई होने की वजह से भी यहाँ पे खेती करना थोड़ा मुश्किल था. सो इन फैक्ट द झूम कल्टिवेटर्स हु टुक द प्लग कल्टिवेशन ऑफ्टन सफर्ड. और इसकी वजह से क्या था, हलों की मदद से यहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल था और साथ ही साथ इनको बड़ा नुकसान होता था सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स. एंड सो द झूम कल्टिवेटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्ट द कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. यानी जो अपनी पुरानी परंपरागत खेती है वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बीज जो थे वो नहीं हुआ करते थे और गुड वैरायटी ऑफ सीड्स नहीं थे. साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, उपज जो थी वो नहीं दे पा रहे थे. तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, उनके परंपरागत जो तरीका था, ट्रेडिशनल जो तरीका था वो. सो द फेसिंग द वाइड स्प्रेड प्रोडक्ट्स द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली फॉलो अलाउ देम टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑन द अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और ऐसे ही कबीले के जो लोग हैं वो एक जगह से जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे और लास्ट में ब्रिटिशर्स को ये बात माननी पड़ी. क्यों माननी पड़ी, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था इनकी बात को मानने के अलावा. सो द फिगर नंबर 7, आप देखिए, ट्राइबल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड ऑफ आंध्र प्रदेश नॉट द डिफरेंस बिटवीन द राइस कल्टिवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट. यानी कि आपको ये दिखाया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश में धान की खेती में काम कर रहे हैं आदिवासी ट्राइबल वर्क पीपल जो हैं. और आप ये ध्यान में देखिए कि समतल मैदानों में ही जो जंगलों में धान की खेती के बीच में फ़र्क देखिए कि देखिए आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो राइस को यहाँ पे लगा रहे हैं और राइस के लिए प्लेन चाहिए, पानी भरा हुआ होना चाहिए. फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट. अब फॉरेस्ट लॉ क्या था, जो फॉरेस्ट लॉ था वो लाया गया और फिर क्या था, फॉरेस्ट लॉ को कैसे इम्पैक्ट पड़े, क्या इसके प्रभाव पड़े. सो द ट्राइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. सो चेंज इन द फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स. So the British extend their control over the all forests and declared the forest were state property. अब आप ये देखिए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कनेक्ट किया फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट को इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी, यानी धीरे धीरे इन्होंने देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर द फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी. अब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कह दिया कि ये तो स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये जंगलों से और जंगलों से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वनों से जो जाती हैं, उनको ऊपर अंग्रेजों ने सारा नियंत्रण घोषित कर दिया था, यानी अपना बना लिया. एंड सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट.
और अब क्या कर दिया कि राज्य की संपत्ति, स्टेट की प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में क्लासिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रख दिया इन्होंने, और इसको संरक्षित रख दिया। संरक्षित इसलिए रख दिया क्योंकि अब इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए थी लकड़ी, टिम्बर, विच इज ब्रिटिश वॉन्टेड, और वो लकड़ी जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए था, इसलिए इन्होंने इस एरिया को रिजर्व कर दिया। इन द फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, और फॉरेस्ट में अब जो लोग हैं उनको फ्रीली मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं अलाउ है, क्योंकि अब झूम जो खेती है वो बंद कर दी गई थी। कलेक्ट फ्रूट्स और हंट्स एनिमल्स, हाउ आर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, यानी आप इमेजिन करिए कि जो झूम कल्टिवेशन कर रहे थे उनको ना तो फ्रूट्स कलेक्ट करने दिए जा रहे हैं, ना उनको एनिमल्स को हंट करने दिया जा रहा है, और ना ही उनकी खेती को आगे बढ़ाने दिया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे। सो मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज, और इसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोगों को फोर्स करा गया एक जगह से दूसरी जगह, वो लोग क्या हुआ, मूवमेंट होने लग गया, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो लाइफ की जो डेली यूज़ में उनको चाहिए, जब वही नहीं मिल रहा है तो इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना शुरू कर दिया। बट वंस टू द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इन साइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? अब अंग्रेजों के पास में एक चीज़ तो बहुत मुश्किल हो गया था। क्या मुश्किल हो गया था कि जब अंग्रेजों ने आदिवासियों को ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया था, उनको स्टॉप्ड कर दिया था, तो अब जो झूम कल्टिवेटर्स थे उनको एक टुकड़ियों में बांट दिया गया, उनको गांव में रहने के लिए, अब जो वन विभाग है वो उनको मजदूरी करना चाहता था, मजदूर बनाना चाहता था, और जंगलों की देखभाल करनी होगी किसको, वहां पे रहने वाले ट्राइबल पीपल्स को। लेकिन अब सारे अगर वन विभाग में अगर सबको ही वहां बसा दिया, तो अब आप ये देखिए अंग्रेजों के पास में बड़ा मुश्किल हो गया था कि उनको लेबर कहाँ से मिले। अब वो जो रेलवे में स्लीपर्स जो यूज़ होते थे, रेलवे में जो स्लीपर कोचेस जो होते थे वो लकड़ी के बनते थे, और अब इनमें जो लॉग्स होते थे पेड़ काटने की और लकड़ी के दूसरी जगह ले जाने के लिए किसके ज़रूरत होती थी, लेबर्स की ज़रूरत होती, वो अब कहाँ से पूरी करे, क्योंकि लोग अब मूवमेंट देना शुरू कर दिया था, शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया था लोगों ने, और वो जंगल वाला एरिया लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया था। तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि लोग जो है वो मजदूर नहीं मिल रहे थे। सो द क्रॉनिकल ऑफिसर्स केम अप विद द स्लोगन सॉल्यूशन, दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। यानी अब उनको थोड़ा सा लालच दिया गया, एक सॉल्यूशन निकाला गया, एक हल निकाला गया कि कैसे उनको जमीनों के छोटे छोटे पैचेस जो टुकड़े हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे दी जाए, ताकि वो लोग फॉरेस्ट में ही रहे, और गांव में रहने वालों को वन विभाग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उनको नौकरी देगा। किस चीज़ की, वहाँ के जंगलों को देखभाल करने की, और वहाँ पे जो कंडीशंस थी लोगों की, वो लेबर वहाँ पे लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है, और जंगलों में ही रहने के लिए उनको फोर्स करा जा रहा है, ताकि वो जंगल छोड़ के ना जाए, और रेगुलरली जो ब्रिटिशर्स हैं उनको रेगुलरली सस्ते जो गांव में मजदूर मिल जाते हैं वो इजीली मिल पाए। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट्स टू लिव, अंग्रेजों ने इस देश में जीना कितना कठिन कर दिया था। अब वो कैसे, इन 1930 वॉरियर एलिवन विजिटेड टू द लैंड ऑफ द बेगास, द ट्राइबल ग्रुप ऑफ द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जो लोग रह रहे थे, एनक्लेव इन लोगों के रीति रिवाज, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द कस्टम्स एंड प्रैक्टिस एज देयर आर्ट एंड फॉक लोग, यानी इनकी जो संस्कृति है उसको, रीति रिवाज जो कस्टम्स हैं उनको जानने की कोशिश करी, और ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग्स, उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स को रिकॉर्ड भी किया जो कि इनके द्वारा बनाए गए थे, इनके द्वारा लिखे गए थे,
उनमें से एक है कि कैसे इस बात की शिकायत करी गई है कि अंग्रेजों ने बैगास को कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यानी इसमें एक सॉन्ग में बताया गया है कि कैसे बड़ा हार्ड टाइम वो लोग निकाल रहे हैं अंडर द ब्रिटिश रूल। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज इट टू लिव, हाउ हार्ड इट इज टू लिव, इन द विलेज साइड्स द लैंडलॉर्ड, द गेट साइड्स द कोतवाल, the garden sides in the patwari, in the field side the government, in the land of the English how hard it is to live, to pay cattle tax we have to sell cow, to pay forest tax we have to sell buffaloes, to pay land tax we have to sell block, how we get to get out food in this land of the English। यानी कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि अंग्रेजों ने इस देश में जीना कितना मुश्किल कर दिया है, जीना बड़ा मुश्किल हो गया है कि दरवाजे पे कोतवार है ना, बगीचे में पटवारी है, खेतों में गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ पशु का जो टैक्स देना है तो गाय बेचनी पड़ रही है, भैंस बेचनी पड़ रही है, भोजन पकाएं तो कैसे पकाएं। अंग्रेजों ने इस दौर पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये लिखा गया है क्वोटेड इन द वॉरियर एनक्लेव एंड द शामराव हिवाले सॉन्ग ऑफ द मैकले, यानी ये इनके द्वारा लिखा गया है। एंड मैनी ट्राइबल पीपल रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉनिकल फॉरेस्ट लॉ, दे डिसोबेड द न्यू रूल, उन्होंने जो कॉनिकल रूल है उसको डिसोबे किया और अब जो कानून का विरोध करना शुरू कर दिया था। दे डिसोबेड द न्यू रूल एंड कंटिन्यूड द प्रैक्टिस दैट दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल एट दैट टाइम रोज इन ओपन रिलेबियन रिबेलियन, और अब लोगों ने खुले तौर पर इनका जो विरोध है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और साथ ही साथ में नए नियम जो आ गए थे उनको लोगों ने मानने से मना कर दिया, इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, न्यू रॉल जो आए थे उनको डिसोबे किया लोगों ने। एंड इन सच ऑफ रिवॉल्ट ऑफ द सोनग्राम संगमा इन 1906 in Assam and the forest satyagraha of 1930 in the central provinces, yani ki 1906 mein Assam mein songram jo sangma dwara Assam mein aur 1930 mein bharat jo central jo hai provinces hain unme ek satyagraha जो लोगों ने शुरू करा, और ये फिर बाद में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट सामने आया लोगों के कि कैसे लोगों ने इनका विरोध किया। तो व्यापार की समस्या भी थी यहाँ पे, अब द प्रॉब्लम विद ट्रेड, अब ट्रेड की क्या समस्या थी, व्यापार की क्या समस्या थी, देखिए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट द ट्रेडर्स हैव मनी, लैंडर्स कमिंग इन टू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे समूह के रूप में आते थे और जल्दी जल्दी आने लगे थे, यहाँ पे व्यापारी आने लग गए थे यहाँ पे, ऑफरिंग कैश लोन, क्यों, ताकि उनको कैश लोन दिया जा सके, एंड आस्किंग दैम टू वर्क फॉर द वेजेस, और उनको मजदूर बनाने की कोशिश करी जा रही थी। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम अ टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द व्हाट आर हैपनिंग, यानी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनको अब फॉरेस्ट एरिया में तो जाने से मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने, उनको स्टॉप कर दिया, तो अब वो अपना घर का काम कैसे चलाए, तो उसके लिए इन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। और जब वो लोन लेना शुरू करा तो इनके ऊपर उसका भार बढ़ता गया, आदिवासियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये अब क्या हुआ, लेट अस कंसाइड द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स, अब जो सिल्क उगाते थे, जो सिल्क रेशम का जो उत्पादन करते थे, वो इन द 19th सेंचुरी द इंडियन सिल्क वॉज डिमांडेड इन यूरोप, और जो सिल्क था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप के मार्केट में, एंड द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट, और जो फाइन क्वालिटी का जो सिल्क था उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन जो इंक्रीज रैपिडली,
तो इंडिया में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और साथ ही साथ एज द मार्केट एक्सपैंडेड, और जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू एंकरेज सिल्क प्रोडक्शन, और अब जो ब्रिटिश है जिन्होंने जो कंपनी है उसने इंकरेज किया किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, क्योंकि इसके डिमांड अब रेशम की उत्पादन का जो था उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रो किया। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे ऑफ झारखंड, जो कि आपको बताते हैं वर्तमान में जो झारखंड है उसका जो हजारीबाग है उसके आसपास लोग जो थे वो क्या कहलाते थे, वो संथाल कहलाते थे। तो वॉज एन एरिया वेयर द संथाल रेड कोकून, जो रेशम का कीड़ा पालते थे, कुकून जो होता है कोकून, और संथाल जो है ये बहुत अच्छे से इसको पालते थे। तो इसको ये लोग क्या करते थे, द ट्रेडर्स डेलिंग इन सिल्क, अब ट्रेडर्स जो व्यापारी है वो सिल्क में काम, सिल्क के लिए काम करने लग गए। एंड द एजेंट्स हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल, और इसको पालने के लिए, इस रेशम के कीड़े को पालने के लिए ट्राइबल पीपल्स को क्या दे दिया गया, लोन दे दिया गया। एंड कलेक्टेड द कोकून, और उनसे वो क्या कलेक्ट करते थे, वो रेशम एजेंटों को भेजकर उनको कर्जा दिया जाता था, और क्या करते थे कोकून का जो वो इकट्ठा कर लेते थे इनसे। एज अ ग्रोवर्स वर पेड 3-4 फॉर द 1000 कोकून, और जो 3-4000 जो कोकून होता था उनको लिए उनको पैसा दिया जाता था, पेड ₹3 and ₹4 फॉर द 1000 कोकून, यानी हर 1000 के पीछे 3 or 4 rupees उनको पे किया जाता था। दीज वर देन द एक्सपोर्टेड टू द वृंदावन एंड द गया वेयर दे वर सोल्ड इन द 5 times एट द प्राइस। आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा, बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा कि कहाँ ब्रिटिशर्स 3 or 4 rupees देते थे 1000 कुकून्स के, और फिर वो 5 times जाके 5 गुना ज़्यादा कीमत उसकी वो हासिल करते थे, यानी कितना ज़्यादा ये मुनाफा लेते थे। एंड 5 times अगर ये ज़्यादा बेचते थे तो ये द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज्ड डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोवर, और जो मिडल मैन थे, बिचौलिए जो थे, वो सिल्क ग्रोवर और एक्सपोर्टर्स के बीच में डील करवाते थे, मेड ह्यूज प्रॉफिट, और इनको उसके दोनों को बीच में जो होता था वो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटल, और जो सिल्क को पालते थे, कीड़े को पालते थे, और जो सिल्क उत्पादन करते थे उनको बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलता था। सो अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल्स ग्रो सो द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज, और इसी के बीच जो बिचौलिए थे उनकी वजह से इनको नुकसान होता था। एंड अब समुदाय के जो लोग क्या थे, व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, एनिमी मानने लग गए थे। लुक एट द फिगर नंबर 9, अ हजाजगंज वुमन वेविंग अ मैट फॉर वुमन, डोमेस्टिक वर्क वॉज नॉट टू कन्फिंड एट टू द होम, दे कैरिड देयर बेबीज विद दैम टू द फील्ड एंड फैक्ट्रीज। अब आप ये देखिए, एक चटाई बनाती हुई एक हजात औरत, यानी वुमन, और औरतों को घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, अब उनको खेती और कारखानों में भी काम करना पड़ रहा था, तो वहां पे ये अपने बच्चों को साथ लेके जाती थी। लुक एट द फिगर नंबर 10, कोल माइंस। अब कोल माइंस में क्या है, ये कोल माइंस ऑफ बिहार की है, बिहार की कोयले की खान इन 1948। लुक एट द फिगर, आप देखिए कैसे लोग टोकरियों में कोल को लेके जा रहे हैं, है ना, उनको माइनिंग हो रही है यहाँ पे। एंड इन 1920 अबाउट 50% ऑफ द माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार, झरिया और रानीगंज की जो कोल जो माइंस हैं, जो खदानें हैं बिहार में, द ट्राइबल वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोस्केटेटिंग माइंस वॉज नॉट ओनली बैक बेरिंग द डेंजरस, इट वॉज ऑफ्टन लिटरली किलिंग। इन द 1920 ओवर 2000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस इन इंडिया। अब आपको ये देखना है कि 1920 में बिहार के झरिया और रानीगंज जो कोयले की माइंस थी, खादान थी, वहाँ काम करने वाले
50% जो लोग थे वो कौन थे, वो इन्हीं ट्राइबल पीपल्स थे, यही ट्राइबल पीपल्स थे। और अंधेरी और धूमकेतु खदानों के माइंस में ये लोग गहराई में काम करते थे। न केवल ये शरीर तोड़ने वाला काम करते थे बल्कि बड़ा डेंजरस भी था, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि 2000 जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो 1920 में देश में यहाँ पे मारे जाते थे। यानी आप ये देखिए कि कितना डेंजरस था इनको माइन करना, और लोगों को यहाँ पे बहुत डीप में जाना पड़ता था काम करने के लिए, क्योंकि कोयला नीचे से खुदा जाता था, नीचे से निकाला जाता था। तो ये माइंस की फोटो है, एंड द सर्च फॉर वर्क्स, द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल पीपल हु हैड टू गो अवे फॉर द होम्स इन सर्च ऑफ वर्क। अब आपको ये देखना है कि कैसे वो काम की खोज में आप जगह से दूसरी जगह जाते थे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, द माइनिंग बिकेम द मोर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब आपको ये देखना है कि कैसे काम की तलाश में आदिवासी जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया घर छोड़ के, और इन सर्च ऑफ वर्क। अब इन्होंने काम की खोज में न सिर्फ अपने घरों को छोड़ा 19th सेंचुरी में, अब क्या शुरू कर दिया था, चाय के बागान जो थे, टी प्लांटेशन स्टार्टिंग कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। अब जो टी प्लांटेशन है, चाय के बागानों में काम करना, और साथ ही साथ में जो माइनिंग है वहाँ पे जाके इंडस्ट्रीज में काम करना, इन लोगों का जो था ऑक्यूपेशन, इनका जो काम धंधा है वो इसी से चलने लगा। और ट्राइबल्स वॉज रिक्वायर्टेड टू लार्ज नंबर ऑफ वर्क एट द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम। और रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्टेड क्यों होते थे, क्योंकि जो टी प्लांटेशन होती है उसमें अधिकतर लेबर्स का काम होता है, एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड, और कोल माइन जो झारखंड की है वहाँ पे भी मजदूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, लेबर की ज़रूरत होती थी। दे वर रिक्वायर्ड थ्रॉड कॉन्ट्रैक्टर्स who paid them miserably low wages and prevent them from the returning home। yani ab kya tha, jo thekedar the, jo contractor jo the, wo kya karte the, inko bahut kam wages dete the, inki halat bahut zyada kharab thi, inko vetan kam diya jata tha, jabki wapas ghar bhi lautne ke liye nahi dete the, yani inko ghar pe bhi इजिली नहीं भेजा जाता था। तो इन दिस चैप्टर वी रीड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द ट्राइबल पीपल, लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल, कि कैसे, बट द टाइम केम चेंज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट जो था वो अब धीरे धीरे कम होता गया, और अब जो लोग हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड ना होके अब लेबरर भी बनने, अब जो काम लोग हैं वो क्या करने लग गए थे, मूव करने लग गए थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप पीपल्स प्रेफर टू सेटल डाउन इंस्टेंट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे बिगिन टू यूज प्लग, ग्रेजुअली गॉट राइट ओवर द लैंड एंड दे लीव ऑन। और साथ ही साथ अब पीपल है, ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू रेगुलर इनकम, सो इनकम फॉर द स्टेट, सो दे इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट्स एंड मेजर द लैंड, एंड साथ ही साथ में अब रेवेन्यू जो है वो स्टेट से मिलने लग जाए। और ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्रेडर्स एंड मैनी लैंडर्स बिगिन टू कम इन टू द फॉरेस्ट, दे ऑफर्ड कैश लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड आस्क देम टू वर्क फॉर द वेजेस। अब इनको मजदूरी के, जो मजदूर है वो बना दिया गया कैसे ट्राइबल पीपल्स को, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, उनकी लाइफ है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और साथ ही साथ अब ये जो आदिवासी हैं वो एक मजदूर बन के रह गए थे। थैंक यू, गुड डे। आई होप आप सब लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझा होगा। थैंक यू, गुड डे।